hello everyone i am Gurudath, assistant professor in the press law college this is the eighth video lecture of law of crimes 2 that is code of criminal procedure in this video lecture we will be studying about the powers of magistrate to take cognizance and uh, the power of court of session to take cognizance now till now we have seen the role of police officer in the investigation in the criminal investigation how investigation is done how fir is registered how a person, person gets arrested and what are the rights of person after being arrested. for example, bail. now we will see the role of magistrate in the criminal justice system, that how magistrate plays his own role in the whole process of uh, justice through crpc. so the first thing which uh, the first power that magistrate has is to take cognizance. and now what is cognizance? cognizance is taking sangyan of something. यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड संज्ञान नाव नियरली ऑन एवरी डे समन ऑफ द अदर हाई कोर्ट टेक्स कॉग्नीजेंस ऑफ अ केस एंड स्टार्ट प्रोसीडिंग्स बाई इट्स ओन सो दैट इज कॉल्ड कॉग्नीजेंस इट हैज़ नॉट बिन डिफाइंड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट इट बेसिकली मीन्स अप्लाइंग जुडिशियल माइंड इन सस्पेक्टेड कमीशन ऑफ द ऑफेंस तो संज्ञान मतलब होता है कि एक जुडिशियल माइंड किसी के ज्ञात में कोई चीज आ जाना किसी के ध्यान में आ जाना किसी चीज़ का नोटिस कर लेना किसी चीज़ का नॉलेज या नोटिस मिल जाना जैसे कि अभी तक मुझे नहीं पता था कि आ, आ, यहाँ पे कौन काम करता है या कौन काम कर रहा था अब मुझे वो पता चल गया तो वो मेरे संज्ञान में आ गया वो मेरे कांग्नीजेंस में आ गया ये होता है कांगनीजेंस का मतलब सी में कहीं डिफाइंड नहीं है कांगनीजेंस इन जनरल मीनिंग इज सेड टू बी नॉलेज और नोटिस एंड टेकिंग कांग्नीजेंस ऑफ ऑफेंस मीन्स टेकिंग नोटिस और बिकमिंग अवेयर ऑफ द अलेज कमीशन ऑफ एन ऑफेंस द दिशनरी मीनिंग ऑफ दर कॉन्ग्नीजेंस इज जुडिशियल हियरिंग ऑफ अ मैटर अब ये कॉग्निजेंस की पावर यूनिक यूनिक पावर है जो मजिस्ट्रेट्स को मिलती है और हायर जुडिशरी के पास होती है जिसके थ्रू जो भी कुछ हो रहा है कहीं पे वो अगर उन्हें पता चलता है तो वो शुरू मोटो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं या कोई उनको बताता है या कंप्लेनेंट उनको बताता है कोई भी कहीं से भी उनको पता चलता है तो वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं ये पावर्स जो है उनको एक एज देती है पुलिस फोर्स के ऊपर कि इन केस पुलिस फोर्स ने काम नहीं किया अपने से तो वो कर सकते हैं वो कॉग्निजेंस में लेके वो काम कर सकते हैं या इन केस लेजिस्लेचर ने काम नहीं किया तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको भी कॉग्निजेंस में ले सकती है तो ये अब जनरल मीनिंग हो गया कॉग्निजेंस में अब सी में हमें स्पेसिफिक पे जाना है तो सी में जो होता है वो मजिस्ट्रेट के पास कांगनींस की पावर सेक्शन वन ए में मिलती है वन नाइन्टी से लेकर वन नाइनटी नाइन तक जो है इन पावर सेवर पावर ऑफ से, से सेक्शंस डील करते हैं और नाइन्टी वन ए में उसको कांगनीजेंस की पावर ग्रांट की गई है मजिस्ट्रेट को तो अ कोर्ट कैन टेक कांगनीजेंस ओनली वंस आफ्टर इट बिकम्स फंक्टस ऑफिशियो अब फंक्टस ऑफिशियो का ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फंक्टस ऑफिशियो क्या होता है कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कोर्ट दो बार कांगनीजेंस ले सकता है तो ऐसा नहीं होता कॉन्ग्निजेंस हमेशा पहली जानकारी होती है जब वो कोर्ट को मिलती है जैसे एक मजिस्ट्रेट है उसको सबसे पहले पता चला कि कोई कमीशन ऑफ क्राइम हुआ है और जैसे ही उसको ये पता चला और जैसे ही उसने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई किया उस उस चीज़ के ऊपर वैसे ही वो कॉग्निजेंस ले लिया अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि कब लिया कॉग्निजेंस पोस्ट कॉग्निजेंस प्रोसीडिंग्स क्या है प्री कॉग्निजेंस प्रोसीडिंग्स क्या है ये सब उतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम आगे धीरे धीरे देखेंगे अगले तीन चार पाँच लेक्चर इसी पर इसी इसके आसपास रिवॉल्व करेंगे बट जब बेसिक बात यह है कि कॉन्ग्रीडेंस का मतलब होता है जब पहली बार मजिस्ट्रेट को किसी ऑफेंस के बारे में पता चलता है और वो उसको जुडिशियल अपना अपना जुडिशल माइंड अपना जो है वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करके उस और उसमें कोई एक्शन लेता है तो इसको इतनी सी बात को कहते हैं कॉन्ग्रिजेंस लेना मजिस्ट्रेट का अब उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है वो आगे हम देखेंगे इफ अ मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व हिज माइंड नॉट फॉर द रीजन ऑफ प्रोसीडिंग एज मैंश अबव बट फॉर टेकिंग एक्शन ऑफ सम अदर काइंड फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन वन फिफ्टी थ्री वन फिफ्टी सिक्स थ्री थ्री और इसच वॉरट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही कैनॉट बी सेड टू हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अब हमने अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि वन फिफ्टी सिक्स थ्री में एक पावर होती है आपके पास कि अगर पुलिस आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है आपका एफ आई आर नहीं रजिस्टर कर रही है एफ आई आर रजिस्टर करने पुलिस स्टेशन गए पुलिस ने आपका एफ आई आर रजिस्टर नहीं किया तो आप सेक्शन 200 में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को आप जब आप सेक्शन 200 में कंप्लेन फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट को तो मजिस्ट्रेट दो काम कर सकता है बेसिकली तीन काम कर सकता है एक तो कॉग्निजेंस लेके आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है आपने सेक्शन दो में कम्प्लेन फाइल की मजिस्ट्रेट को हम अगला वीडियो में कंप्लेन ही पढ़ेंगे पूरा अब आपने दो सौ में कंप्लेन फाइल की अब मजिस्ट्रेट तीन काम कर सकता है पहला काम मजिस्ट्रेट कर सकता है कि उसका कॉन्ग्नीजेंस ले सकता है सेक्शन वन नाइन्टी वन ए के अंदर और फर्दर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है ये पहला काम है इसको कहते हैं कांगनीजेंस लेना फिर अगर आपने दूसरे में कम्प्लेन फाइल की तो मजिस्ट्रेट हो सकता है कि कांग्नीजेंस ना ले और एफ फाइल होने के लिए पुलिस को ऑर्डर करे एफ करने के लिए अंडर सेक्शन वन फिफ्टी तो वो कांगनीजेंस लेना नहीं होता है तीसरा चीज़ मजिस्ट्रेट कर सकता है सेक्शन 93 के अंदर बोलते दे कि एक सर्च वारंट इशू कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि आगे की चीज़ें क्या हैं वो भी कॉग्निजेंस लेना नहीं होता है कॉग्निजेंस तभी मजिस्ट्रेट लेगा जब अपना जुडिशल माइंड खुद से अप्लाई करेगा अगर वो पुलिस को ऑर्डर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उसको कॉग्निजेंस लेना नहीं कहते हैं सिंपल सी बात है तो कॉग्निजेंस में उसको खुद का अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना है और जुडिशल प्रोसेस को स्टार्ट करना है ये हम आगे देखेंगे हम जब कंप्लेन पढ़ेंगे सेक्शन 200 ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो कि सेक्शन 190 नाइन्टी जो काग्नीजेंस की पावर है इतनी ज़्यादा रिलेटेड है वो सेक्शन टू हंड्रेड कंप्लेन से कि उन दोनों को अलग अलग पढ़ना मुश्किल है बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि अभी हम सेक्शन वन नाइन्टी पर ही टिके रहे तो अब सेक्शन वन नाइन्टी में मजिस्ट्रेट ने काग्नीजेंस ले ली अब कागनीजेंस लेके वो क्या करेगा वो इन या तो प्रोसीडिंग uh, इनिशिएट करेगा सेक्शन टू हंड्रेड और ऑनवर्ड सेक्शंस में दिया हुआ है लेकिन इस पावर की लिमिटेशंस क्या हैं इस पावर को कैसे लेते हैं ये अभी हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे इन केस ऑफ आर आर चारी वर्सिज स्टेट ऑफ यू पी इट वॉज हेल्ड बाय द एपिक्स कोर्ट दैट टेकिंग कॉग्नीजेंस डज नॉट मीन एनी फॉर्मल एक्शन और एक्सपेक्टेड एक्शन ऑफ एनी काइंड बट अकर्स एज सुन एज द मजिस्ट्रेट, एज सच इन्वॉल्व हिज माइंड टू दी सस्पेक्टेड कमीशन ऑफ देंस ऑफ एन ऑफेंस तो जैसे ही उसने मैंने माइंड अप्लाई किया अपना माइंड अप्लाई किया दिमाग लगाया मजिस्ट्रेट ने किसी चीज़ के ऊपर किसी केस के ऊपर उसका कॉग्नीजेंस उसको लेना लेने का प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई अब ज़रूरी नहीं है कोई ऑर्डर पास ही करे वो लेकिन अगर वो वन फिफ्टी में एफ रजिस्टर के लिए ऑर्डर पास कर रहा है तो वो काग्नीजेंस नहीं माना जाता है इस केस में ऐसा जनरल डेक्सफनेशन दे दिया गया है बट उस केस में वो काग्निजेंस नहीं माना जाता अब कैसे ले सकता है मजिस्ट्रेट काग्नीजेंस अब हम इस इस वक्त इस वीडियो के जो मेन पार्ट है जिसको आपको मेनली पढ़ना है वो देखिए कैसे ले सकता है मजिस्ट्रेट कागनीजेंस मजिस्ट्रेट कागनीजेंस ले सकता है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड दी सेकेंड क्लास में टेक कांग्रेजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अपॉन रिसीविंग अ कम्प्लेन ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू दी ऑफेंस मतलब कोई कंप्लेन दे सेक्शन 200 में तब वो ऑफेंस को ऑफेंस का कॉगनीजेंस ले सकता है सेकेंड है अपॉन पुलिस रिपोर्ट्स ऑफ द फैक्ट और थर्ड है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास का मजिस्ट्रेट तीन चीज़ों से कांगनीजेंस कौ, ले सकता है पहला तो कंप्लेन करने पे दूसरा पुलिस रिपोर्ट पे तीसरा जो है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको कोई भी आदमी दे दे या उसको खुद से पता चल जाए जैसे पेपर पढ़ के उसको पता चल गया या न्यूज़ से पता चल गया तो वो उस केस में भी कॉग्निजेंस ले सकता है इतनी पावर मजिस्ट्रेट को दी गई है फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास अब सेक्शन 192 कहता है कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को स्पेशली एम्पावर किया जाएगा सी के द्वारा तभी वो कॉग्निजेंस ले पाएगा तो मतलब फर्स्ट क्लास हर केस में ले सकता है और सेकेंड क्लास को लेने के लिए सी जी द्वारा स्पेशली एम्पावर होना चाहिए तभी वो कॉग्निजेंस ले पाएगा तीन तीन सोर्सेज से वो कॉग्निजेंस ले सकता है या तो बेसिकली चार सोर्सेज से कह लीजिए आप एक तो अपनी नॉलेज से ले सकता है दूसरा इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन तीसरा पुलिस रिपोर्ट और चौथा कंप्लेन करने पे कोई भी कंप्लेन करेगा सेक्शन दो में तो उस केस में भी ले सकता है कॉग्निजेंस ट्रांसफर ऑन द अप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज अब सेक्शन 191 एक बैरियर uh, क्रिएट करता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने अपनी नॉलेज से अकॉगनीजेंस लिया है वन अ मजिस्ट्रेट टेक कॉगनीजेंस बाय अनदर पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज देन अक्यूज इज इंटाइटल टू हैव केस इंक्वायर्ड इन और ट्राइड बाय अनदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो अगर मजिस्ट्रेट ने अपनी खुद की इंफॉर्मेशन से कॉगनीजेंस लिया है कहीं से मिली उसको या किसी और के इंफॉर्मेशन से कांगनीजेंस लिया है अदर देन पुलिस रिपोर्ट तो उस केस में एक बैरियर क्रिएट किया गया है कि जो अक्यूज है इफ़ ई इट देन द केस विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दैट मजिस्ट्रेट टू सम अदर मजिस्ट्रेट ये सिर्फ एक प्रोसीजरल बैरियर रखा गया है प्रोसीजरल जस्टिस uh, के लिए रखा गया है कि अक्यूज को ऐसा ना लगे कि मजिस्ट्रेट बयाज्ड है उसकी तरफ से इसलिए उसको ट्रांसफर करने का ऑप्शन सेक्शन 191 में दिया गया है मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट सेक्शन 192 डील्स विद मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट एनी सी कैन मेक ओवर द केस ऑफ फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कंपिटेंट मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम तो यहाँ सी जी एम के पास स्पेशल पावर है कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट को कोई भी केसेज ट्रांसफर कर सकता है काग्नीजेंस लेने के लिए यह जो है स्पेशल पावर दी गई है सेक्शन वन नाइन्टी टू में अब सेशंस कोर्ट की बात आती है सेक्शन वन नाइन्टी थ्री में कोर्ट ऑफ सेशंस आर नॉट अलाउड टू टेक कॉग्नीजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल डरिजक्शन अनलेस द केस हैज़ बीन कमिटेड टू इट बाय अ मजिस्ट्रेट वैन इट इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाई दिस कोर्ट और बाय एनी अदर लॉ दैन ओनली कोर्ट ऑफ सेशन आर अलाउड तो बेसिकली कोर्ट ऑफ सेशन आर नॉट अलाउड टू टेक कागनीजेंस ऑन दर ओन वो तभी कोई केस का कागनीजेंस पाएंगे या ले सकते हैं जब कोई मजिस्ट्रेट दूसरा उनको केस ट्रांसफर करे या तो किसी एक्ट में एक्सप्रेसली मैंशनड हो अदरवाइज ये पावर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशंस को नहीं दी गई है कोर्ट ऑफ सेशन सी इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस को मतलब जिसमें पनिशमेंट ज्यादा होती हैं तो उस केस में उनके पास ये पावर ले ली गई है कि वो कॉन्गिजेंस नहीं ले सकते हैं कोई छोटा मजिस्ट्रेट उनके जो जब उनको फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जब उनको कांगनीजेंस लेने के लिए ले कहता है इन दैट केस इन दैट केस दे कैन स्टार्ट दी प्रोसीडिंग्स ठीक है तो हमने नाइन सेक्शन नाइन्टी से वन नाइन्टी थ्री तक देखा है अब नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्शंस देखेंगे कुछ सेक्शन वन नाइन्टी फोर ऑनवर्ड्स कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं सेक्शन वन नाइन्टी नाइन तक जहाँ पे किस केसेस में मजिस्ट्रेट काग्नीजेंस नहीं ले सकता है ये बातें मैंशन है जैसे कि आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर्स हैं तब नहीं ले सकता सिविल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं तब कांग्नीजेंस नहीं ले सकता उनके खिलाफ या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कांग्नीजेंस नहीं लिया जा सकता तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो बेसिकली कांगनीजेंस का मतलब संज्ञान लेना होता है जो सेक्शन एक सौ नब्बे एक वन नाइन्टी वन में दिया हुआ है कांग्नीजेंस लेके मजिस्ट्रेट जो है वो आ, कैसे ले सकता है कॉग्निजेंस किसी की कंप्लेंट पे ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है और लास्टली खुद की नॉलेज पे भी ले सकता है तो ये बेसिक चीज़ें हैं कॉग्निजेंस रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शंस क्या क्या हैं इनके